और आइए अब रुक करते खबरों की ओर। महासमुंद जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत चोहरी के आश्रित ग्राम बोरित के ग्रामीण पिछले 50 सालों से नाले का झरिया पानी पीने को मजबूर हैं। कारण, ग्राम पंचायत चोहरी में 10 बार अलग अलग लोगों ने सरपंच बनकर गांव का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन आज भी गांव में पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। महासमुंद जिले का बोरित गांव विश्व पटल में पुरातात्विक नगरी के रूप में पहचान बनाने वाले सिरपुरी नगरी के पुरखौती के चिन्हारी वाला गांव है, लेकिन आज भी इस गांव के ग्रामीण झरिया पानी पीने को मजबूर हैं। शासन की जल जीवन मिशन योजना के द्वारा इस गांव में पानी टंकी के निर्माण कर घरों तक पानी पहुंचाने पाइपलाइन का कार्य भी कराया जा चुका है, लेकिन बोर खनन नहीं किए जाने की वजह से इस गांव के जल जीवन मिशन की यह योजना पूरी तरह से फेल हो चुकी है। पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा भी गांव में पीने और निस्तारी के लिए 5 बोर कराए गए हैं, लेकिन गिरते भूजल स्तर के चलते इन बोर पंप में भी पानी आना बंद हो गया है। बोरित के वार्ड क्रमांक 7 में स्थित लगभग 40 परिवार के लोगों को पीने और निस्तारी के पानी के लिए नाले का झरिया पानी ही एकमात्र साधन बचा है। बोरित के ग्रामीणों द्वारा झरिया पानी को पीने एवं निस्तारी के लिए उपयोग में लाने की जानकारी स्थानीय एवं जिला प्रशासन सहित पीएचई विभाग के आला अधिकारियों को भी है। जिला प्रशासन के अधिकारी पखवाड़े भर पहले गांव में आकर लोगों के पेयजल की समस्या को देखते हुए जल्द से जल्द पानी के लिए बोर खनन का आश्वासन भी दिया था, लेकिन आज भी ग्राम बोरित के ग्रामीणों की समस्या जस की तस बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि नौतपा की गर्मी में जमनाले के झरिया का पानी भी सूख जाएगा, ग्रामीण पानी की बूंद बूंद के लिए तड़पने लगेंगे, तब क्या जिला प्रशासन के अधिकारी कुंभकर्णीय नींद से जाग पाएंगे। पानी समस्या तो हम जब से पैदा हैं सर, तब से मतलब यही दुख पात पात आसन जगह जगह मतलब बोर कर करते हैं, कोनो दिन चलते कोनो दिन नहीं चला है, तब झेजिया पानी हमारे 12 महीना चलत। अब कौन जाने सर, अब अधिकारी मन जानी करते हैं नहीं करें, पंच सरपंच बने बनेते मन अभी तो खुला पर है, कर गड़ियाद है नल के खुल रहा मिला वो दिन आ रही था, मतलब तो मैं नहीं रहे वे सुनत भी कहा भी सो हुआ अधिकारी आ रही थे पानी यहाँ समस्या खराब है, तो ये अरे कौन है पंच कौन सरपंच ऐसे बोलत भी कहा भी सर, मैं तो नहीं रहे उस समय ओकरा सुने हाँ गांव में। अब हमार कहना ये है सर, हमारे लिए पानी का जी बढ़िया रहना चाहिए, आप का बोला हम जहजाद नहीं मांगा था। पानी की समस्या है बहुत ज्यादा है, बोर उर है तो बिगड़ जाते, बोरिंग वोरिंग है वो बिगड़ा है, तन नरवाज के पानी लगा था, झेरियाज के पानी पिए बारे झेरियाज के पानी लगा था, झेरियाज के पानी में नहावा था, उचमा गाय भैंसा मन बर पानी लगा था, सब निस्तारी नरवाज में हो अभी। जब वो नरवा बाढ़ आते तब कुछ 2 महीना तक बढ़िया पानी बहते, ओकर बाद नरवा सुखा जाते तहन ऐसने छो जाते झेरियाज के पानी, पानी टंकी बने हैं लेकिन ओकर बोर उर नहीं खोदा है, ककरो घर में पानी नहीं पहुंचे अभी बहुत दिन हो गए। पानी का समस्या है सर, यहाँ तो बोर उसी बंद हो गया है अभी समस्या सर, ये झेरिया पानी की रहा है जो अभी पानी टंक वो पानी टंक का वो चालू नहीं हुआ है, और कर्मचारी आया था डीओ भी वो भी समस्या हल करने आया था, वो भी अधूरा करके चल गया, ईंटा हुई सब वहीं कर दिया, सरपंच कोई दडाट डोटार के अभी तक हल नहीं किया है पंच सरपंच अधिकारी के पंच जाने का सर, आया था अधिकारी वो डांट डट गया है सरपंच को, वो ईटा पटका दिया है अभी तक चालू नहीं किया है, 15 दिन हो गए सर, महीना दिन आप लगभग 50 साल से सर, 50-55 से समस्या को हल नहीं हुआ सर, आदमी वहाँ पास पहुँच नहीं पा रहा है, आप लोग पहुँचाओगे समस्या को तब जानेगा सरकार क्या हो रहा है बोरिज में क्या नहीं हो रहा है। यहाँ के लोग जब से हम लोग यहाँ आए हैं कम से कम 60-65 वर्ष हो गए होंगे, पहले से लोग ऐसे झेरिया के पानी पीते थे,
हम लोग पंचायत प्रस्ताव करते हैं, लेकिन पंच लोग जाने वहाँ लेकर जनपद पंचायत में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं हमको मालूम नहीं है। इधर नालक के लोग इधर से पानी ले जाते हैं और उधर के लोग बीच में बोर है उसी में पानी ले जाते हैं, और हमारे पास एक टंकी है उसी में पानी लेते हैं हम, बोरिंग है पानी भरते हैं उसमें पानी लाल हो जाते हैं, इसीलिए लोग उपयोग नहीं कर पाते।